सहारा के सुब्रत राय समेत 6 पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज। गोरखपुर न्यूज़। दोस्तों ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमें मिली है, देवरिया जिला मुख्यालय के सिविल लाइन रोड स्थित सहारा इंडिया के सेक्टर ब्रांच द्वारा लाखों रुपये का भुगतान न करने पर कोतवाली पुलिस ने सहारा प्रमुख राय समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का मुकदमा पंजीकृत किया है। यह कार्रवाई कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। इन्होंने की शिकायत, सदर कोतवाली के दानवपुर निवासी अवधेश कुमार मिश्र ने अपना व अपने परिवार के कुछ सदस्यों का पैसा सहारा में जमा कराया। उनका कहना है कि सेवी की धमकी देकर 2011 में उनके फिक्स डिपॉजिट को विभिन्न स्कीम में जमा कर दिया गया था, साथ ही जल्दी भुगतान कर देने की बात कही गई। यहाँ भी भुगतान करने से किया गया मना। 22 नवंबर 2019 को वह सहारा के सेक्टर ऑफिस सिविल लाइन रोड पर गए तो वहाँ तैनात कर्मचारियों ने भुगतान देने से मना कर दिया, साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद वह कोतवाली गए लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद न्यायालय पहुँचे, इनके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। न्यायालय में दोस्तों इन्हें पनाह मिल जाती है और इन गरीब निवेशकों को वहाँ पर न्याय मिलता है, उसके बारे में आगे लिखा है। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सुब्रत राय, सहारा चेयरमैन ओम प्रकाश श्रीवास्तव, सहारा इंडिया भवन कपूरथला अलीगढ़ लखनऊ, राजेश श्रीवास्तव सेक्टर मैनेजर ब्रांच देवरिया, रामेश्वर लाल श्रीवास्तव कैशियर, ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी वे एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बाबत सदर कोतवाल टीके सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। तो दोस्तों अभी ये यहीं तक न्यूज़ आई है और आगे क्या होगा, उसकी कार्रवाई जो भी होगी दोस्तों वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जब तक दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक नई पुरानी वीडियो मिले सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे।